सनी भाई नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। तो आप सभी लोगों का स्वागत है पार्ट टू में। तो सनी भाई मैं जानना चाहूंगा कि हमारे सामने अभी दो घोड़ियां खड़ी हुई है ना। जी जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस घोड़ी की, तो इस घोड़ी की उम्र क्या है? जे भाई अभी दो दांत में ही है। दो दांत में है। हाँ जी, ने फर्स्ट फॉल दे दिया, अभी चार दांत तकरीबन, थोड़ा मैल डाल रखी है, अभी हो जाएंगी चार दांत। हाइट में कितनी होगी ये? ये भाई 63 है स्केल पर। 63 है जी स्केल। और बाप कौन है इसका? ये दिलशान की है जी बच्ची, बहुत शान की है जी। और माँ कौन है इसकी? माँ भाई साहब फूल सिंह के घर पर ही है, वो शायद वो पथेड़ी वाली लाइन की घोड़ी अगर है। ओके, यानी माँ का एक तरीके से आपको पता नहीं है पर है माँ। हाँ जी माँ, नहीं उन्होंने मेरे को फोटो भी डाल रखी है। अच्छा, मेरे पास फोटो है उसके पास। ओके। वो पथेड़ी लाइन की बोल रहे थे। तो अभी क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम रोशनी रखा है। रोशनी जी। तो रोशनी को कितना टाइम हो गया आपके फार्म पे? मैंने जी दो बच्चियां ली थी पहले, ये दोनों, ये हर्ष की है। दोनों बच्चियां ली थी जी? मैंने बच्चियां ली थी, ये उस टाइम थी अबाउट 18-19 महीने की थी। 18-19 महीने जी, जी। तो क्या बच्चा दिया है क्या अभी तक इसने? या इसने अभी एक बछेरा दिया मेरे को, अल्फाज से इसका आया रिजल्ट। अल्फाज जो काला कांटे वालों के पास? जी जी जी, जो है देव का बच्चा है। देव का बच्चा है जी। ओके, तो जो रेस का बच्चा आया कि बच्ची आई है? बछेरा आया, बच्चा आया। बच्चा आया है। हाँ जी। तो बच्चे की क्या उम्र होगी अभी? पौने दो महीने का हो गई। पौने दो महीने का जी जी। ओके, अगर हम बात करें इस घोड़ी की, तो इस घोड़ी की क्या उम्र होगी? ये भी अभी चार दांत हो रखी है जी। चार दांत हो रखी है। हाँ जी, अभी हो गया चार दांत। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में ये तो अबाउट 61 प्लस होगी। और 61 प्लस जी। और अगर बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? ये हर्ष की है जी। हर्ष की है जी। बाबा जी वाले? बाबा पालकदास जी वाले। ओके, तो आप कहाँ से लेके आए थे? मैंने ये कट्ठी परचेज की थी जी भाई। अच्छा। दीप के यहाँ से ही आई है ये गुड़िया। अच्छा, एक साथ ही ली थी? जी जी। हाँ जी। ओके। मैंने तो किसी हौसले पैसे दीप के पास थे पहले ये गुड़िया। तो इसका क्या नाम रख रखा है? इसका नाम सुंदरी रखा है। सुंदरी रखा जी। मेरे बच्चों का ही सब ने नाम रखा हुआ है। बच्चे ही नामकरण कर गए? जी बच्चे ही नामकरण करते हैं जी। तो सनी भाई इस घोड़ा मार्केट में आए 2.5 साल हो गया है, तो कैसा लगा ये घोड़ा मार्केट? बहुत अच्छा है जी। हम तो बस किसी को, वैसे तो हमारा तो अपना खुद का ही, ज्यादा किसी से नहीं होता, अपना शौक कर रहे हैं। okay. और फ्रेंड सर्कल है बस, उसी में थोड़ा बहुत बात करते हैं, ज्यादा तो लोगों से बात नहीं पड़ रहा अभी। तो किसी घोड़ी का सनी भाई डीएनए करवाया क्या अभी तक? नहीं, मैंने अभी करवाना है जी। मैंने उनको कॉल तो कर रखा है, अभी मेरा नंबर नहीं लगा उनके पास। तो क्यों करवाना चाह रहे हो डीएनए? चलने दो ना ऐसे ही। अरे डीएनए से ऐसे है भाई यार, कोई थोड़ा अभी इनके बाप का भी हो रखा है डीएनए, तो थोड़ा इनका बन जाएगा लाइन वगैरह पर कंफर्म हो जाता है ना। झूठ नहीं बोलना आपको? नहीं नहीं, हमको तो कोई झूठ की वाली ऐसे कोई, हमारे को कौन सा व्यापार करना है जी। तो इस घोड़ी के नीचे भी बच्चा है क्या? इसकी दिलबाग की बछेरी है अभी। इसकी दिलबाग की बछेरी है जी। इसकी क्या उम्र होगी? ओ दो महीने की होगी जी। दो महीने की हो जी, गई है जी। दो महीने की। ओके, तो सनी भाई जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि आपसे हम ज्यादा पूछ नहीं सकते क्योंकि आप भी नए हो। नहीं, हम भी नए। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि वो क्या सावधानी रखे? जैसे आप 2.5 साल पहले इस मार्केट में आ चुके जी, जी, तो जी। उन लोगों को कोई एक सबक या कोई सीख देना चाह रहे हो आप? देखो भाई, हम अभी सीख देने वाले तो नहीं है, पर मैं तो सभी जो भी मेरे मित्र है सभी उसको यही बोलता हूँ कि अगर अपने कोई जानवर रखना है तो लाइन का रखें, अच्छा जानवर रखें। माड़े की भी उतनी सेवा करनी होती है और अच्छे की, दोनों की सेवा तो उतनी सेवी तो है? सेवा तो उतनी ही रहती है। ओके। अगर आपके पास अच्छा जानवर होगा तो आप उससे अच्छा ब्रीड भी कर सकते हो। और बाकी इसका नाम क्या बताया था आपने? इसका नाम सुंदरी है जी। सुंदरी। और इसका रोशनी? इसका नाम रोशनी जी। तो आप जब विदेश चले जाते हो जब कौन देखभाल करता है? जब वैसे तो मेरे इधर फादर साहब हैं, पर जो मेरे मित्र हैं सभी वो देखते रहते हैं। आ जाते हैं, आ जाओ भाई, आप सब पूरा। आपने भी धूप में पसीना बहाया है तो ज्यादा तो हाँ जी इन्हीं का योगदान है जो मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को भी। और पन्नों में आपका भी नाम लिखा जाना चाहिए ना यार। आ जा वीर, आ जा, आपने भी अपने बलिदान दिया है। आ जा भाई, संभल जी। मैंने आपने भी अपनी पसीनों का बलिदान दिया तो नाम तो आना चाहिए ना जी। तो आप सारे लोगों के पास में भी घोड़े हैं या भाई साहब के पास में ही अभी? नहीं, अभी मेरा एक फ्रेंड है, ये गोगा है, ये तो मेरे गांव से ही है। अच्छा, इसके पास घोड़ी तो है। अभी जैसे धूप में घोड़े तो पकड़ के खड़े हुए थे तो धूप नहीं लग रही थी क्या? शौक है भाई साहब। अच्छा, शौक है। तो कितना टाइम देते हो घोड़ा घोड़ियों को आप आके? ये दो तो सामते ही है, ये तीन तो ये। अच्छा, तीन तो यानी कि देखभाल देखभाल के लिए ही है जी। बाकी ये सब आपके दोस्त हैं? बाकी सब दोस्त हैं। ये सब गांव के दोस्त हैं? हाँ जी, गांव के ही दोस्त हैं। नहीं, गांव का भी है, गांव के पास के भी है। इसका लोपो है मंदिर का पेंट। ओके। और इसके पास घोड़ा गाड़ी भी है, वो आपसे बाद में बात करते हैं। अच्छा, घोड़ा गाड़ी हो गया जी, वो ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट की। तो पंजाब में घोड़े लेके जाते हो कि सब जगह? सब जगह लेके जाते हो।
चलो बिल्कुल बढ़िया है, दोस्तों के बिना मेरे को लगता है कुछ संबंध भी नहीं हो पाता जी, है ना? जी जी नहीं होता, दोस्ती होते जो बेचारे अपने गलत में तो सही, में दोनों में साथ सही बात है। कई बार और भी काम रहते हैं और सभी दोस्तों पर छोड़ देते हैं कि ये करने वाला है वो करने वाला है। नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया, देखो अच्छे दोस्त मिलना भी नसीब से मिलते हैं, नसीब से मिलते हैं, सही बात है जी, सही बात। और गद्दार दोस्त भी बहुत मिल जाते हैं, बहुत जी। चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने धूप में अपना पसीने का बलिदान दिया है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है आज, धूप बहुत 10 मिनट खड़े होना बहुत मुश्किल है, और आप घोड़े के साथ में 20-25 मिनट खड़े हो रहे हो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सनी भाई, थैंक यू जी, थैंक यू प्रदीप भाई, आप इधर हमारे दिखाने के लिए आए, इधर सभी दोस्तों को आपसे मिलने का बहुत इंतजार था, ढूंढ रहे थे आपको। चलो चलो, थैंक यू, आप इधर अभी भी आ जाएंगे मिलने के लिए, वैसे भी फोन कर दोगे तो अभी आ जाएंगे जरूर, जरूर, थैंक यू।